सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ले से हैं, पदुम के लिए निकल रहे हैं। दो दिन हम पदुम पे स्टे कर रहे थे, बहुत ज्यादा थक गए थे उधर बीच ले में स्टे कर रहे थे बेटा सॉरी ले में स्टे कर रहे थे बहुत ज्यादा थक गए थे उधर। तो कल हम लोग ने हॉस्टल वगैरह में स्टे किया और उसके बाद आज हम लोग क्या कहते हैं पदुम के लिए निकल रहे, जो कि डिस्टेंस हमारा 440 किलोमीटर का रहने वाला है। और क्या कहते हैं, इसके दो रास्ते हैं, एक क्या कहते हैं कारगिल होके जाता है और एक उसके पहले से रास्ता अंदर कट जाती है उधर बीच लामायोरो करके एक जगह है, वहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है लामायोरो। बट वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमारे पास टाइम उतना ज़्यादा है नहीं, तो हम कारगिल होके जाएंगे, जो कि डिस्टेंस अभी यहाँ से टाइम दिखा रहा है गूगल के हिसाब से 14-15 घंटे, उतने कहाँ में 16-17 घंटे लग ही जाएंगे। देखते हैं हम लोग कहाँ बीच में स्टे करेंगे, क्या करेंगे। और अभी यहाँ पे क्या कहते हैं टाइम हो रहा है 10:30 बज चुके हैं, और क्या कहते हैं 10:30 बज गए और मौसम वगैरह ठीक है यहाँ से। बाकी अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, बाकी का आपको आगे का दिखाते हैं। और गाइस ये हम मैग्नेटिक हिल आ चुके हैं, यहाँ पे ऐसा है कि मतलब चढ़ान पे गाड़ी अपने आप चलती है, अभी आपको दिखाएंगे शो करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं गाड़ी कैसे अपने आप, अपने आप चल रही है। बंद करना जरा शीशा, खोलो, बंद करना गाड़ी। और ये आप देख सकते हैं, बंद तो करो, अरे बंद का करूं, बंद तो करो। ये देखिए गाइस अपने आप गाड़ी चल रही है, पैर ऊपर कर लिए। ये दूसरे व्लॉगर बीच में इंटरप्ट करते हुए गाड़ी वाले दोनों वाले जाए, चलो बैठो ऐसा बोला जाता है। और गाइस ये आप देख सकते हैं जांसकर इंडस रिवर बोला जाता है इसको। आप देखिए एक साइड साफ पानी है और एक साइड गंदा पानी है, दोनों मतलब मिक्स नहीं हो रहा है। और गाइस ये एक डेढ़ घंटे के बाद पावर नैप लेने के बाद ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं। बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई है इधर। आज हमारा कारगिल से पदुम, कारगिल से फिर पदुम का डिस्टेंस मतलब आज रहने वाला है। कारगिल से पदुम का डिस्टेंस होगा 220 किलोमीटर अप्रॉक्स, जो कि हम रात तक पहुंचेंगे। बाकी आपको उधर से व्यू दिखाते हैं गाइस। और गाइस ये हम कारगिल वॉर मेमोरियल आ गए हैं, साइड में आप ये देख सकते हैं अंदर का। लास्ट ईयर हमारे इधर गाइस आज टाइम ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे रुक गए हैं। लास्ट ईयर के हमारे पास फोटोज वगैरह है, आपको जरूर शेयर करेंगे वीडियो में। बाकी हमारे डिस्टेंस आज गाइस दूर रहने वाला है, इसलिए हम रुक नहीं रहे यहाँ पे। टाइम की समस्या है। आपने मूवी देखी होगी शेरशाह, उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा, उसी का मेजर रोल था गाइस यहाँ पे, कारगिल वॉर मेमोरियल वाला, मतलब सेम उसी पे स्टोरी बनी है। और बाकी वो फोर्स ने बहुत ज़्यादा अपना
योगदान दिया था। और आप गाइस ये देख सकते हैं, ये कारगिल से जो पदुमक रोड जा रही है, कितना अच्छा नजारा है। ग्रीनरी आ गई है बहुत देर के बाद, बहुत दिन के बाद, हाँ मतलब सॉरी बहुत दिन के बाद। और काफी पतली रोड है इधर, ये कोई गांव टाइप का है। साइड में देखिए बहुत ज्यादा ग्रीनरी वगैरह, मौसम भी अच्छा है इधर का, धूप वगैरह है। मतलब ये देखिए गाइस, यहाँ पे स्लश शुरू हो गया, बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू हो गई है। अभी हम लोग पदुम पहुंचे भी नहीं है, अभी 4 घंटे का रास्ता यहाँ से भी बचा है। देखते हैं क्या करना है गाइस, देख सकते हैं आप कितना ज्यादा स्लश है। बाकी कैमरामैन शिवम को देंगे फोन, वो रिकॉर्ड करेंगे बाहर से, ओके गाड़ी निकालनी है। गाइस आप देख सकते हैं कि रात में ये देखिए बहुत ही ज्यादा रिवर क्रॉसिंग टाइप का आ जा रहा है। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है रात में इसको क्रॉस करना। इस पर तो उतना स्लज नहीं था, लेकिन जब स्लज हो जा रहा है तो गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा इशू है। मतलब और कोई हेल्प भी नहीं है रात में यहाँ पे। हम लोग रात को चल रहे हैं इस स्ट्रेच पे, ये पदुम जा रहे हैं रात में, और बहुत ही नैरो डाउन हो गया है लेन। देख सकते हैं कि आप पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इस लेन, इस रोड पर पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और जब रात में क्या होता है कि हर जगह पानी का जो बहाव है वो थोड़ा तेज़ हो जाता है, तो रात में पूरा रोड पर पानी आ जा रहा है उसका, क्योंकि प्रॉपर क्रॉसिंग दिया नहीं गया है पानी निकलने का, तो वो पूरा स्लज बना दे रहा है रोड पे। और पूरा ऑफ रोडिंग से भी मैं क्या ही बोलूँ कि ऑफ रोडिंग है क्या है, पूरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है। गाड़ी में भी लग रहा है, सस्पेंशन का भी इशू आ गया है, सस्पेंशन भी आवाज़ कर रहा है, अच्छा खासा गाड़ी का भी बहुत लग रहा है काम हो जाएगा। ऐसी जगहों पे अपनी गाड़ी लेके आने के लिए तो मतलब नई नई गाड़ी लाने के बाद उसमें नई नई गाड़ी में काम निकल जाएगा। देख सकते हैं एकदम रास्ता इतना ख़राब है, बिल्कुल रास्ता है ही नहीं, रास्ता एकदम है ही नहीं, सिर्फ किसी तरीके से उस पर से गाड़ी जा रही है। रास्ता बनाने का काम स्टार्ट हुआ है इस स्ट्रेच पे, देख सकते हैं कहीं कहीं गाड़ी वगैरह छोटे छोटे कैंप्स बने हुए हैं, जहाँ पे लेबर लोग अभी वहाँ पे कर रहे हैं। दिन में इस स्ट्रेच पे काम चलेगा, रात में तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन रात में हम लोगों ने इस स्ट्रेच पे जाने का जो डिसीजन लिया वो थोड़ा सा अभी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आप देख सकते हैं रात को अभी लैंडस्केप वगैरह तो उतना नहीं समझ आ रहा है, रोड ही ऐसा है कि लैंडस्केप देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग क्या कहते हैं कारगिल से वापस निकल लिए हैं। कल इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब था और मतलब आगे जाने को भी मना कर रहे थे लोग, लोकल्स लोग मना कर रहे थे, तो इसलिए अब हम आगे जा नहीं पाए। उसका वीडियो मैंने नहीं भैया ने बनाया था, तो उसका वीडियो आपको ज़रूर दिखाएंगे कैसे क्या रास्ता वगैरह था। बाकी हालत बहुत ज़्यादा इस टाइम ख़राब है, शक्ल वगैरह आप इग्नोर करिएगा बहुत ज़्यादा इस टाइम, होट वगैरह बहुत ड्राई हो गए, नहावा भी नहीं पाए हम ठीक से यहाँ पे। तो अभी यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या कहते हैं कारगिल से कटरा का रहने वाला है। अभी हमने कल डिसाइड किया है कि वैष्णो देवी दर्शन कर लेते हैं माता रानी के, तो देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं क्या है। बाकी वहाँ पर हेलीकॉप्टर की बुकिंग वगैरह देखी थी तो सब फुल है इस टाइम, क्योंकि ये पीक सीज़न चल रहा है और इस टाइम क्या कहते हैं हॉलीडेज़ वगैरह, समर हॉलीडेज़ वगैरह रहती है, स्कूल वगैरह बंद होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से हमारा डिस्टेंस 450 किलोमीटर आज फिर होने वाला है, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं कहाँ तक नहीं जा पाते हैं। और अभी बीच में जोजिला पास वगैरह भी पड़ेगा, ये हमने पता करवा लिया था लोकल से, तो जोजिला पास खुला है आपको दिखाएंगे वहाँ का भी। जोजिला पास ही बहुत ज़्यादा मतलब एक 15-20 किलोमीटर का पैच बहुत ज़्यादा ख़राब है,
और वो शाम को रास्ता ही बंद हो जाता है, इसलिए हम जल्दी निकल लिए थे। जल्दी भी क्या, 10 बज गया इस टाइम, ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल गए हम। यहाँ से टाइम गूगल के हिसाब से दिखा रहा है 12-13 घंटे 450 किलोमीटर का, जो कि हमें उससे ज़्यादा ही लगेगा। तो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी थोड़ा सा मूड अपसेट इसलिए भी है क्योंकि हमारा मेन क्या कहते हैं ट्रिप थी, हमारी मेन जांसकर की ट्रिप थी पदुम की, लेकिन अब वहाँ पे इतना ज़्यादा पैच, इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब था कि फिर ये हुआ। और 2-3 बार हमारी गाड़ी नीचे से टच भी हुई, फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ से वापस बैक चले जाते हैं। तो थोड़ा सा मूड उसको लेके ख़राब है, देखेंगे कभी 4x4 अगर गाड़ी आती है अपने पास तो 4x4 गाड़ी लेके वहाँ पे जाएंगे। एक बार वो पैच जरूर करना है, मन में रह गई वो चीज़, तो वो तो आपको नहीं दिखा पाएगा इस, उसके लिए थोड़ा सॉरी भी, क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। और बाकी पदुम से शिंकुला का रास्ता जो है इस टाइम बंद चल रहा है, नहीं सीधा चलो, कहाँ सीधा, आगे आगे। तो एक तो इशू ये था कि पदुम से शिंकुला के रोड बहुत, मतलब इस टाइम बंद, पदुम से शिंकुला के रोड बंद थी। तो एक तो इशू ये आ रहा था कि फिर पदुम से फिर हमें कारगिल आना पड़ता, और कारगिल से पदुम का जो पैच है, मतलब 40-50 किलोमीटर का कारगिल से पदुम के रोड ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा, मतलब अभी रोड पे काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा पैच ख़राब है। मतलब बीच बीच में कहीं, मतलब वाटर क्या कहते हैं रिवर क्रॉसिंग आ जाती है, रिवर क्रॉसिंग में इतना कोई इशू नहीं होता, लेकिन जहाँ पे पानी रिवर क्रॉसिंग वजह से आ जाता है तो वो थोड़ा स्लश बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, मतलब गाड़ी फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। कल हम एक जगह फंसे थे, वहाँ का शूट नहीं हो पाया, उस टाइम मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और भैया लोग बाहर से गाइड कर रहे थे, तो उसका रिकॉर्ड नहीं हो पाया ना, हम आपको वो दिखा पाए। बाकी आगे का थोड़ा बहुत जो हमने वीडियो कैप्चर करा था वो आपको ज़रूर शो करेंगे। गाइस कल ही उनकी गाड़ी नीचे से टच हुई थी, इंजन कवर वगैरह निकल गया था, तो उसी को आज थोड़ा गाइस सही करवा रहे हैं नीचे से। दराज पहुंच गए हैं यहाँ, नीचे से थोड़ा सा सही वगैरह करा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम लोग जॉर्जिला पास बस पहुँच ही गए हैं, और ये देखिए जाम लग गया है बहुत भयंकर जाम लग गया है, ये देखिए साइड साइड में इतना ज़्यादा। और इनमें दिक्कत ये है कि हल्की फुल्की अगर गाड़ी टच हो गई तो यहाँ के जो लोकल्स वगैरह तुरंत, जानते ही आपको यहाँ माहौल कैसा है, तो फिर उसी के लिए बहुत ज़्यादा बचा के निकालना पड़ता है, वेट करना है निकल जाएगी पहले। आप ये देख सकते हैं ये हम जॉर्जिला पास के आगे आ चुके हैं, मार्टालगो रोड जा रही है, और जैसे सामने आपको पहले शायद मनाली में इक्कीस मिनट में वैसा ही है, बोला नहीं है वैसा ही कुछ है। देख सकते हैं आप नीचे कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, ये सोनमर्ग वैली नीचे नेहरू रोड है, मतलब ये वन वे है, ऊपर से गाड़ी आ रही है, बाइकर्स का, बैक बैकर्स का ग्रुप जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं, 17 गाड़ियाँ बाइक उनकी एक साथ जा रही हैं। ये जोजिला जो है बहुत ही ज़्यादा स्टीप है एकदम से, इसके लिए जोजिला पास बहुत फेमस है, देख सकते हैं कि बहुत ही स्टीप है। और जैसे ही जोजिला से उतरेंगे नीचे सोनमर्ग आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पहुँच के दिखाते हैं, वहाँ पर पहुँच के दिखाएंगे, वहाँ पर काफ़ी वो टूरिस्ट प्लेस है सोनमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग दो जगह हैं। तो सोनमर्ग जो है ये जोजिला के पास में पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत है, और ये जोजिला आप देख सकते हैं कि बहुत ही एकदम नैरो रोड है, एकदम स्टीप पहाड़ियाँ हैं। अच्छा ये ऊपर जाने का अलग रहता है और अप का अलग है और डाउन का अलग है, लेकिन सामने देख सकते हैं कुछ कुछ लोग गलत भी आ जाते हैं सामने दिखाओ। और गाइस ये सोनमर्ग के थोड़ा सा आगे कैफे वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह हम लोग को मिला है, वहाँ पे हम लोग रुके हैं। आप इधर का साइड का व्यू देख सकते हैं कि इधर रेस्टोरेंट वगैरह है, उधर नदी बह रही है और उधर नदी वगैरह बह रही है, ऑर्डर वगैरह लगा दिया यहाँ पे, खाना वगैरह खा के लंच वगैरह करके फिर यहाँ से आगे निकलेंगे श्रीनगर के लिए। बाकी बहुत ही खूबसूरत माहौल है यहाँ पे, सुंदर नज़ारा,
बाकी गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन पीस।